शर्मा और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24। और खबर बढ़ने से पहले आपको बता दें दर्शकों कि कोरोना का दूसरा लहर काफी भयावह रूप अख्तियार कर चुका है। ऐसे में एम न्यूज 24 आपसे अपील करता है कि आप मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। बहरहाल आइए अब नजर डालें सुर्खियों पर। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, जरूरत पड़ने पर उठाए जाएंगे कड़े कदम। भीषण गर्मी के बीच बागबड़ा में मचा पानी के लिए हाहाकार, विधायक ने उपलब्ध कराए पानी के टैंकर। और सरायकेला में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक, खौफ में जी रहे हैं ग्रामीण। और अब खबरें विस्तार से। सीएम ने कोरोना रोधी उपायों पर आम राय बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में होने वाली सर्वदलीय बैठक में राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं से गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक में बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया और मॉनिटरिंग की मांग की। इसके अलावा अस्पतालों में बेडों की वृद्धि करने का भी आग्रह किया गया। अगले 25 दिनों में स्थिति सामान्य करना हमारा लक्ष्य है। राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही हैं वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो इन लोगों, जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के
इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो, नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं, लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें, भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, ये हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। डॉक्टर, जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, जो लोगों को जीवन दान देते हैं, जब स्वयं डॉक्टर की मृत्यु बिना ऑक्सीजन और इलाज के अस्पताल में हो जाए, तो आप कोरोना की भयावह स्वरूप का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से हुई पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर धरनाथ सिंह जी की मृत्यु की। कोरोना महामारी एक और जहाँ पूरी देश में असुरक्षित रूप से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, लोग किस तरह से बचे, क्या करें, ये सोच में पड़े हुए हैं। भारत सरकार भी इसको लेके काफ़ी सोच में पड़ी हुई कि किस तरह से लोगों को बचाया जाए। इस कोरोना वॉरियर्स लोगों को, दो लोगों को नाम दिया गया है, एक जो डॉक्टर है और दूसरे हैं सुरक्षाकर्मी। और वही डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो ये काफ़ी विडंबना की बात है। ऐसा ही वाक्य जमशेदपुर में हुआ है स्वर्गीय डॉक्टर डी एन सिंह जी के साथ। इनकी बीमारी हुई और बीमारी होने के बाद इनके परिजनों ने इन्हें अस्पताल ले गया, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। आइए इनके परिजनों से जानते हैं कि क्या विडंबना थी उस दिन और अस्पताल में इन्हें बेड मिली या नहीं मिली। जी बताइए कि मतलब क्या समस्या हुई थी उस दिन, कब? इमरजेंसी में लेकर गया, डॉक्टर से कहा कि रिटायर्ड डॉक्टर हैं, इनके थोड़ा इनका ट्रीटमेंट कीजिए, और ब्रेथलेस हो रहे हैं, तो बोला कि स्ट्रेचर खोजिए। स्ट्रेचर खोजने के लिए मेरे को बोला, वहाँ स्ट्रेचर नहीं मिला तो मैंने एम्बुलेंस वाले से ही कहा कि थोड़ा अपना स्ट्रेचर लेकर चलिए। वहाँ स्ट्रेचर देखने को देख लिया तो कहता है इनको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम है। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, कहता ऑक्सीजन सिलेंडर खोजना पड़ेगा, इनको वार्ड आइसोलेशन वार्ड में भेज रहे हैं, वहाँ आइसोलेशन वार्ड में इनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। वहाँ गया तो कहता कि यहाँ बेड नहीं है, बेड खोज कर लाए वहाँ वार्ड में, दूसरे वार्ड से, तो कहता है कि वहाँ बेड पर गद्दा नहीं है, चादर नहीं है, सुबह मिलेगा, बेडशीट नहीं है, तकिया नहीं है, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पर, खाली बेड पर उनको लिटाया गया। और मास्क भी लेट से लेकर आया वो लोग, ऑक्सीजन भी मतलब 2 घंटे के बाद वो लोग लगाया ऑक्सीजन, लगभग वहाँ पहुँचने के 2 घंटे के बाद उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ। लोग बताए, परिचय दिए कि हम लोग, हाँ, मतलब वो डॉक्टर बोलने से वो प्रणाम कर लिया, और लेकिन उसके बाद फिर वही रिस्पॉन्स, मतलब हाँ, देखते हैं, करते हैं। समय रहते अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं जाता, बेड रहता तो ऑटो से भी, हाँ, ब्रेथलेस हो रहे थे, अगर उनको 2 घंटे पहले ही जैसे पहुंचने के साथ ही ऑक्सीजन उनको मिल गया रहता, 2 घंटे टाइम नहीं वेस्ट किया हुआ होता, तो हो सकता था कि उनकी जान बच सकती थी। घर से कैसे गए? एम्बुलेंस से लेकर गए। एम्बुलेंस मंगाते कि फोन करके? नहीं, वो गवर्नमेंट वाला एम्बुलेंस आया था, वो 1 घंटे के बाद आया, फ़ोन करने के 1 घंटे के बाद आया, और इसलिए एम्बुलेंस बुलाया कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, इसीलिए बुलाया था। क्या उम्र हो रही थी डॉक्टर साहब की? उनकी 73। तो वहाँ पर लेके गए, जब आप लोग वहाँ पर गए तो वहाँ से मतलब परेशानी हो, तो वहाँ से फिर कहाँ लेके गए? नहीं, हम लोग इसलिए लेकर गए उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि गवर्नमेंट डॉक्टर थे, इसलिए वहाँ उनको थोड़ा प्रिफ्रेंस मिलेगा,
थोड़ा ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा अच्छा, इसलिए वहाँ लेकर गए। फिर आप लोग किसी से कि मतलब हाँ डॉक्टर से बोला कि थोड़ा देखिए क्या हो रहा है वो, तो मतलब वहाँ ऑक्सीजन मतलब उनको लगने के 10-15 मिनट के अंदर ही वो कोलैप्स हो गए। डॉक्टर जो पूर्व सिविल सर्जन भी रहे हैं, सरकार के ही अस्पताल पर विश्वास करना उनको कितना महंगा पड़ा, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब विडंबना यह है कि एक डॉक्टर की जान कोरोना से हो जा रही है और सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं जमशेदपुर में फेल दिख रही है, तो सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा को और दुरुस्त किया जा सके, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन प्रसन्नजीत के साथ मैं आशुतोष, AM न्यूज जमशेदपुर। अपनी पूरी जिंदगी सरकारी डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा में बिताने वाले स्वर्गीय डॉक्टर धर्मनाथ सिंह की मृत्यु कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और समय से ऑक्सीजन के ना मिलने से होना कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देता है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, ये घटना इसकी एक वानगी मात्र है। लोगों की माने तो प्रदेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। आलम यह है कि अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन तो छोड़िए बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से मारमाहत करने वाली घटना है। मैं भाई अभिषेक जी के घर आकर मिला इनसे, तो हमने पहले इनसे यह सवाल किया कि आप डॉक्टर हैं और सक्षम आदमी हैं, आपने किसी उच्च चिकित्सालय में क्यों नहीं लेके गए, आप टाटा मोटर्स टाटा TMH में क्यों नहीं लेके गए। तो इन्होंने कहा कि मुझे गर्व था कि मेरे पिताजी ने लंबे समय तक सरकारी सेवा दिया है और एक बड़े ओहदे से रिटायर किया है, वो सिविल सर्जन रहे हैं, HOD रहे हैं, तो हमें लगा कि जब हम जाएंगे MGM तो एक डॉक्टर होने के नाते इनका जो सेवा सत्कार होगा वो प्राइवेट अस्पताल के ऐसा नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ MGM अस्पताल गए थे। निश्चित रूप से हम इस घटना की निंदा करते हैं, क्योंकि घटना वहाँ घटी जहाँ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का कहा जाए कि निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से वो विधायक बने हैं, ये लोग उनके वोटर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की कमियों को दर्शाता है। मैं तो मांग करता हूं यहां के मुख्यमंत्री से कि निश्चित रूप से जब कोरोना का महामारी कम हुआ था बीच में 2-4 महीना, अगर वो अस्पताल बनाते, बेड बनाते, वेंटिलेटर खरीदते और अन्य सामग्री खरीदते तो निश्चित रूप से इस महामारी से हम लोग आसानी से निपट पाते। लेकिन कैसे BMW कार खरीदा जाए, कैसे संवेदक जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं उसे कैसे रिन्यूअल कर दिया जाए, कैसा मोटा रकम कमाया जाए, इसमें इस क्षेत्र के मंत्री मशगूल हो गए, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि यहाँ के लोग इस महामारी का दंश झेल रहे हैं और इलाज के बिना, बेड के बिना, ऑक्सीजन के बिना सबके प्राण पखेड़े उड़ रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि पूर्व सरकारी पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर थाना क्षेत्र के जेवियर चर्च के बगल में टीपी साउ बिल्डिंग के गेस्ट हाउस में रह रहे एक चक्र इलेक्ट्रिकल वर्कर्स कंपनी के मालिक 47 वर्षीय संतोष रेड्डी की मौत कमरे के अंदर शनिवार की रात अचानक हो गई। बता दें कि संतोष रेड्डी हैदराबाद के निवासी थे। रेड्डी है, ये एक चक्र इलेक्ट्रिकल वर्क के पार्टनर थे और 2-3 दिन से उनको लूज मोशन हो रहा था, कल से थोड़ा ज़्यादा कमजोरी था तो दवा ववा लिए थे। उसके बाद फिर 11 बजे तक रात में हम लोग साथ में थे, फिर 4:30 बजे हम लोग देखने गए तो तब तक बाथरूम में गिरे हुए थे। फिर एम्बुलेंस करके हम लोग लेके आए यहाँ तो डॉक्टर बोले मृत हो गए हैं। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, ये पार्टनर थे, ये रूरल दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम जो चल रहा है वही करवा रहे थे। सरायकेला जिला के चौका थाना क्षेत्र के NH 33 सड़क पर कंटेनर ने ओवरटेक के दौरान छोटा हाथी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो चालक बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि घटना सुबह 9 बजे की है। ओवरटेक करते हुए आ रहा था, जब हम देखा वो साइड नहीं कर रहा था, हम खड़ा करके साइड। और इधर सरायकेला खरसावा के कपाली थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पिकअप वैन और कार को हुई टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि 2 का इलाज MGM में चल रहा है, जबकि 3 युवकों को TMH में भर्ती करवाया गया है। अपना गाँव जाएगा तो मैं पिताजी डेट गई है, इसी में
हम लोग 5 आदमी थे, 3 बच्चे थे, हम और मेरी दीदी थे। पिकअप कंट्रोल नहीं हो पाया, पिकअप आया तो हम ब्रेक दबा तो आगे ठोक दिए। गर्मी भीषण पड़ रही है और गर्मी के साथ पानी की किल्लत शुरू हो गई है। उधर बागबाड़ा क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मची है। वैसे स्थानीय विधायक ने पानी की समस्या का समाधान करते हुए 4 टैंकर दिया है जो दिन भर बागबाड़ा और आसपास के इलाकों में घूमता रहेगा और लोगों को पानी की कमी होने नहीं देगा। इसको लेकर शहरी इलाके में टैंकर से जलापूर्ति किया जाएगा। वैसे शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में पानी की घोर किल्लत हो गई है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस वर्ष जो गर्मी आ रहा और वर्तमान है इसको देखते हुए जो पानी का किल्लत हमारे विधानसभा अंतर्गत जो बागबाड़ा क्षेत्र में है, बागबाड़ा से लेके रानीडी मतलाडी से लेके करंजी सुंदरनगर क्षेत्र में है, इसको कैसे हम लोग निजात पाएंगे और लोगों को कैसे पानी का किल्लत से हम लोग दूर कर पाएंगे, इसके लिए कुछ दिनों से इस क्षेत्र की जनता हमारे नेतागण गठबंधन के नेतागण के द्वारा फोन से माध्यम से लोग यहाँ का समस्या अवगत कराया और उसको देखते हुए हम लोग कि यहाँ के प्रशासन को लिखें और कोई कॉर्पोरेट घरानों को लोगों को भी लिखें। लिखने के बावजूद इस क्षेत्र में 2 टैंकर और उपलब्ध कराएं यहाँ का पानी के लिए और उससे भी 2 टैंकर तो चल ही रहा था, उसके बाद भी यहाँ के लोगों को संपूर्ण पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, जिसका चलते और हम लोग सभी आज महागठबंधन के लोग अपने ओर से निजी खर्चा से बड़ा 2 टैंकर और उसके साथ साथ छोटा ट्रैक्टर में 4 टैंकर प्रत्येक दिन इस बागबाड़ा क्षेत्र में पानी सुबह से शाम तक इस क्षेत्र में मुहैया कराएगा, ताकि इस क्षेत्र में पानी का जो किल्लत है, पानी का जो समस्या है, इस पानी का समस्या को हम लोग दूर कर पाएंगे वर्तमान की गर्मी को देखते हुए। आगे कुआं पीछे खाएं, जंगली हाथियों के आतंक से कहां जाएंगे भाई। अगर आपको यह कहावत का सही अर्थ देखना हो तो आप सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र आए। यहां इस तरह का खौफ यहां के ग्रामीणों में फैला हुआ है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। करीब 6 बजे मेरा घर है तो जंगली हाथी और दरवाजा और एल्बास्टार को थर दिया और मेरा ही राशन दुकान है और करीब उसके चलते किसी तरह मेरा जान बचा लिया मेरा पिताजी माँ का और उसी तरह हमने हल्ला वल्ला किए, मसाल जलाए, उसके बाद गांव तरह घुस गया, करीब गांव में 6-7 घर को तर दिया है, उसके बाद गांव वालों ने जमकर उसको हाथी को जंगल की ओर भगा दिया है और धान उन खा दिया। उसके बाद गांव का आदमी आया और बम फम दे दिया तो यहां से भागा। इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हाथियों का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा है, दिन ब प्रतिदिन हर गांव में किसी के ना किसी का घर तोड़ रहा है। कल बीते रात उदा में करीब करीब 7-8 घर तोड़ दिया है, काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और वन विभाग सिर्फ फोटो खींच के ले जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई किसी का मैंने भरपाई कर रहा है। वन विभाग सिर्फ और सिर्फ फोटो खींच के ले जा रहा है और मैं वन विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ़ोटो खींच के ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका कुछ नुकसान हुआ उसको मुआवजा दिया जाए और हाथियों का कुछ कारगर उपाय किया जाए। तो वन विभाग से मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक हाथी जन बनाया जाए और एक जगह हाथी को रखने का कृपा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24।